आइए सीधे चलते हैं रायपुर, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ा ऐलान किया है भूपेश सरकार ने, राज्य सरकार ने एक सरकारी अवकाश और घोषित किया है। भाई दूज के मौके पर भी अब प्रदेशवासियों को अवकाश मिलेगा, राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो एक और सौगात दी है भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों को, भाई दूज की भी अब छुट्टी रहेगी। प्रदेशवासियों को भाई दूज पर अवकाश की सौगात दी है भूपेश बघेल ने। राज्य सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब भाई दूज पर भी शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने एक और शासकीय अवकाश घोषित करते हुए भाई दूज को भी अवकाश देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से ये इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। चेतन तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। चेतन, बड़ी खुशखबरी दी है छत्तीसगढ़ वासियों को भूपेश सरकार ने, क्या कहेंगे? जी देखिए, इससे पहले पांच बार और पहले खुशी दे चुके हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से भाई दूज पर सरकारी अवकाश घोषित किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों की में एक अलग से लहर जगी है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति जो उनका आकर्षण है, जो उनकी रूप है, वो एक तरीके से बन चुकी है। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार से लगातार पहले तीजा कोला को लेकर के, हरेली को लेकर के, हरियाली को लेकर के, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के पांच सरकारी अवकाश घोषित किया था, लेकिन एक बार फिर से भाई दूज को लेकर यहाँ पर सरकारी अवकाश घोषित किया है। उसको लेकर के पूरे प्रदेशवासियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर के धन्यवाद दे रहे हैं लगातार, चूंकि जब तक हम भाई दूज को देखेंगे तो भाई दूज बहुत ही छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने ये घोषणा किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चेतन। तो भाई दूज के मौके पर भी छत्तीसगढ़ वासियों को अवकाश मिलेगा, राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक और सौगात छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को दी है, भाई दूज पर अवकाश घोषित किया गया है।